गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। भाई आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं जो है वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। आपको पता ही होगा लगभग 1.5 से 2 महीने का जो है वो गैप आया है। कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा पढ़ाई वगैरह में बिजी था। अभी मैं आ चुका हूँ अपने वन एंड ओनली G7 ऑटोमोटिव पे अपने गुरु भाई के पास अपनी गाड़ी का छोटा मोटा काम कराने। अभी मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया, ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है गाड़ी में। तो जो है मिरर का जो कवर है वो अपना आता है वाइट कलर में। अभी ये फिलहाल मिरर का जो पूरा कवर है वो निकाल लिया है, कवर जो है वो निकाल के ये साइड का भी और ये साइड का भी जो पूरा मिरर का जो कवर है वो हमने निकाल लिया है। और वो जो कवर और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इधर के कर्टन्स मैंने निकाल लिए और इधर जो है वो पूरा जेड ब्लैक फिल्म चढ़ा दिया है। पीछे भी अपनी जेड ब्लैक है और ये साइड भी अपनी अभी जेड ब्लैक हो गई है। बाकी मैंने एक अप्लाई की नहीं है। अभी वो मिरर निकल के आपको पता ही चला होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। भाई गाड़ी का आप लुक देखो, आपको ब्लैक दिख रहा है, तो अगर ये जो कवर है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा तो गाड़ी भाई 4 चांद लग जाएंगे। गाड़ी पूरी अपनी माफिया दिखने वाली है, इसलिए अभी कवर जो है वो निकला हुआ है। वो कवर दिखाता हूँ, वो ब्लैक रैप करने के लिए अभी दे दिए। ये गुरु भाई की जो है वो i20 डायरेक्ट, इस पर भी पूरा रैप का काम चल रहा है। ये अभी इधर गुरु भाई जो अपने कवर पे ब्लैक रैप चढ़ा रहे हैं। दूसरा कवर किधर है मिरर का? सैंडिगढ़ डाल दो, सकल हेलो भाई, आप देख सकते हो इधर जो अपना मिरर का जो कवर है उस पर रैप चढ़ रहा है जो है वो आप देख सकते हो। कवर ये ऐसा कुछ कवर है जो हमने गाड़ी से निकाला है पूरा। भाई कलर की जो क्वालिटी है, जो किया की कलर की क्वालिटी आप देख सकते हो, एक नंबर क्वालिटी है। अभी इसको निकाल के इस पर भी रैप चढ़ने वाला है। इस पर जैसे ही रैप चढ़ेगा आपको दिखाता हूँ, फिर जब गाड़ी में इसकी फिटिंग होगी तो आपको एक क्लिप में डाल दूंगा। अभी इस वाले में भी थोड़ी देर बाद जो है वो अपना रैप चढ़ जाएगा, फिर आपको इसकी फिनिशिंग में दिखा देता हूँ। इस पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना काम, कटिंग चल रही है। इधर एक MT15 का काम चल रहा है भाई PPF के लिए। वे अपना जो कवर है उन पे जो है वो रैप ब्लैक रैप चढ़ गया है। अपना भाई अभी इस पे जो है वो पिटा रहा है ब्लैक रैप। ये वो भाई अपना जो है अपना कवर मिरर का वो पिटा रहा है अभी मिरर पे, आप देख सकते हो। फिनिशिंग है भाई वो बहुत अच्छी आई है, आप देख सकते हो उस साइड का मिरर। इधर भी पूरा मिरर आने के बाद गाड़ी का लुक जो है वो भाई बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी तो भाई अपने गाड़ी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप फिनिशिंग देख सकते हो पूरे मिरर की, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने रैप किया है, ऐसा लग रहा पूरा आपने पेंट कर दिया है मिरर को। आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, ये साइड से भी देख लो भाई। ऐसा छोटी छोटी चीज़ करने से ना गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है वो इनहेंस होता है। तो मतलब ऐसा एकदम बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ गाड़ी में चेंजेस करने से ना मस्त लगता है मतलब गाड़ी भी। ये देखो आप देख सकते हो इस साइड से भी, आपको एक फ्रंट भी दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये देखो कुछ ऐसे अभी अपनी गाड़ी लग रही है। फिनिशिंग का भाई सब खेल है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा इधर जो है वो गैप आया है, लेकिन ठीक है उतना चलता है। इधर थोड़ा रैप निकल गया। और आपको और एक चीज़ दिखा दो, मैंने जो अपने व्हील कैप है वो भी एक महीने पहले ब्लैक किए थे, उसका मैंने वीडियो नहीं निकाला। बोला इसका क्या ही वीडियो निकालूंगा। इसका भी फिनिशिंग देख सकते हो आप, गाड़ी की जो ओवरऑल लुक और स्टैंड है भाई बहुत ही अच्छी हो गई है इससे। और इधर एक छोटा सा स्टिकर भी निकला था। तो यही था आज की वीडियो में। और अगर ये काम अगर आप पूछोगे मैंने कहाँ से किया, तो उल्लासनगर में भाई अपने भाई का शॉप है,
गुरु भाई अपने G7 ऑटोमोटिव करके। अगर आपको कुछ भी काम अपना करवाना होगा तो आप भाई बिंदास ये शॉप पे आ सकते हो, गुरु भाई से विजिट कर सकते हो और गाड़ी के रिलेटेड आप देख सकते हो इतना कुछ है, सब चीज़ें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप रुक के। तो यही था आज की वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी हम मोनेटाइजेशन के बहुत नज़दीक है, 847 कुछ सब्सक्राइबर है भाई, 1000 कर दो जल्दी से, फिर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।